उसकी बुरी आदतें थी कि वो मॉलेस्टेशन और सेक्स के प्रति वो बहुत ही ईगर रहता था। डिपार्टमेंट जानता है कौन है? और तो जानता हूँ, वो जरूर जानता है। डिपार्टमेंट का अंदर हुआ है, नहीं जानेगा? गुस्सा है, नहीं गुस्सा तो जो है, इसलिए तो हमको ये हिम्मत है, वो हिम्मत हमारा हिम्मत बढ़ा रहा है। बहुत गलत इंसान थे, स्टूडेंट लोगों को फेल कराते थे, फेल करा करके उनसे पैसे लेना, प्लस उन्होंने एक स्टूडेंट का ग्रुप तैयार करके रखा था। आरजीकर अस्पताल एक ऐसा अस्पताल जिसकी चर्चा आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर हिंदुस्तान के हर एक घर में हो रही है। 31 साल की मेडिकल स्टूडेंट के साथ इस अस्पताल में जो हुआ उसे सुनकर लोगों की आत्मा फूट फूट कर चित्कार करने लगी है। पहले अस्पताल ने इस घटना को आत्महत्या बताने की कोशिश की, परिवार वालों को 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक अस्पताल के बाहर खड़े रखा और उस बेटी के माता पिता को उसके शव को देखने तक नहीं दिया। प्रेशर बढ़ा तो पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज कर ली, लेकिन पूरा मामला यही नहीं थमने वाला था, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 20 साल पहले से इस अस्पताल में जो कांड लगातार होते आ रहा था उसके खिलाफ पहले इस अस्पताल के डॉक्टरों का गुस्सा फूटा, उसके बाद उनका साथ देने देश के डॉक्टरों के साथ आम जनता, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सब सड़कों पर उतर आए। आखिर वहां ऐसा दशकों पहले हुआ क्या था और क्या होता आ रहा है जो पूरे देश में डॉक्टरों ने OPD सेवा बंद करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद अस्पतालों ने इमरजेंसी सेवा को भी बंद करने की धमकी तक दे डाली। आरोपियों के साथियों ने कैमरे पर जो खुलासे किए हैं उसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि इस गोरख धंधे को लगातार बिना किसी की शय पर सालों तक कैसे चलाया जाते रहा। वो साल था 2001 जब पहली बार इस अस्पताल में डॉक्टरी के चौथे साल में पढ़ाई कर रहे सौमित्र विश्वास की लाश उनके हॉस्टल के कमरे में फांसी के फंदे से लटकती हुई पाई गई थी। लाश को देखने के तुरंत बाद डॉक्टरों ने इस केस को आत्महत्या का नाम दे दिया, लेकिन परिवार को यह अंदाजा था कि उसका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, बल्कि इसके पीछे कोई और बात है। जब जांच की गई तो अस्पताल के हॉस्टल के अंदर पोर्नोग्राफी गिरोह चलाने की बात सामने आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अस्पताल से चंद मिनटों की दूरी पर देश का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया सोनागाछी है, जहां पर सेक्स वर्कर्स काम करते हैं। इसके साथ आरोप यहां तक लगने लगे कि जब कभी वीडियो बनाने के लिए कोई सेक्स वर्कर मौजूद नहीं रहता तो उस अस्पताल में मर चुके लोगों पर किसी और का चेहरा लगाकर उन लाशों तक का शोषण किया जाता था। जब सौमित्र ने इस काले कारनामे को उजागर करने का दावा किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उस वक्त सौमित्र के साथ उसके जो दोस्त पढ़ाई कर रहे थे, आज वो डॉक्टर बन चुके हैं, उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर यह खुलासा किया कि जब सौमित्र के साथी की फोटो का इस्तेमाल एक नग्न अवस्था वाली लड़की के साथ लगाकर उसकी वीडियो बनाई गई तो उसे रहा नहीं गया और उसने इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर देने की धमकी दे डाली और फिर क्या, इस होनहार को मौत के घाट उतार दिया गया। ये आरोप सच साबित होते तब दिखाई देने लगे जब कमरा नंबर 15 में रखे ट्राइपॉड और रिफ्लेक्टर की ना तो पुलिस ने जांच की और ना ही उस कमरे से हटाया, जिसके बाद ये संभावना और तेजी से बढ़ने लगती है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। इस घटना के बाद भी पोर्नोग्राफी चलाने वाले ये रैकेट अपना काम बदस्तूर जारी रखे रहते हैं। यही नहीं, सुसाइड की जगह इसे हत्या करार देने के पीछे की कई और वजहें भी सामने आई। जैसे कि जब सौमित्र की लाश पंखे से लटकते हुए मिली तो उस वक्त उसके गले में रुमाल ठूसा हुआ था, पीछे का दरवाजा अजीब तरीके से खुला हुआ था। डॉक्टर भी एक छोटी नायलॉन की रस्सी से लटकते हुए शव को देखकर बहुत हैरान थे। उस रस्सी की लंबाई इतनी कम थी कि इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस लड़के ने तो रस्सी खुद अपने गले में नहीं डाली होगी। इसके बावजूद भी इस केस को आत्महत्या बताकर इसे रफा दफा कर दिया गया। सौमित्र की मौत के ठीक 2 साल बाद इसी अस्पताल में एक हाउस स्टाफ अरिजीत दत्ता ने हॉस्टल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। जान देने से पहले उसके हाथ की नसों को 2 बार काटा गया था। उसके साथियों के मुताबिक वो बेहद रिजर्व नेचर का इंसान था और मौत के बाद इस केस की जांच शुरू तो हुई लेकिन छानबीन उस स्तर तक नहीं पहुंची जिससे इस घटना का पूरा सच सामने आ पाए। इस घटना के बाद सौमित्र केस एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया, लेकिन समय के साथ ये दोनों केस धूल फांकती फाइलों तक ही
सिमट कर रह गए। हत्या या आत्महत्या का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। साल 2016 में इसी कॉलेज के प्रोफेसर की लाश सड़ी गली अवस्था में उनके किराए के मकान से मिली। डॉक्टर गौतम पाल यूनिट नंबर 6 के HOD थे। लंबे वक्त तक कॉलेज ना पहुंचने के बाद उनकी तलाश शुरू की गई, जिसके बाद उनकी लाश को उन्हीं के किराए के मकान में पाया गया। जिस वक्त उनकी लाश मिली, उनके चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। लेकिन ये केस भी बाकी दूसरे केसों की तरह ही गुमनामी की चादर में खो गया। 4 साल बीते ही थे कि इसी अस्पताल की एक ट्रेनी डॉक्टर पालोमी साहा ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। जब मामले की छानबीन की गई तो उसके दोस्तों ने बताया कि वो लंबे अरसे से अस्पताल में पढ़ाई के दौरान डिप्रेशन का सामना कर रही थी। हालांकि मौके से किसी प्रकार का सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन बीते कई सालों से लगातार संदिग्ध अवस्था में हो रही मौतों की छानबीन जैसे की जानी चाहिए थी वैसी नहीं की गई, और उसका नतीजा यह निकला कि एक और मौत जिसकी असल वजह कभी दुनिया जान ही नहीं पाई। 3 साल बीते ही थे कि एक इंटर्न की लाश उसके घर पर मिलती है। जब लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो पाया गया कि उसने दवाओं का ओवरडोज ले लिया है, जिसके चलते उसकी जान चली गई। उसके साथियों ने बताया कि वो भी लंबे वक्त से डिप्रेशन का शिकार था, जिसके चलते उसने अपनी जिंदगी को रिजर्व कर लिया था। लेकिन इस केस का भी हाल ठीक वही हुआ जो बाकी केसों के साथ हुआ। आरजीगर अस्पताल में आज जो हो रहा है वो सालों से डॉक्टरों के अंदर दबे गुस्से की झलक मात्र है। इस अस्पताल में बतौर प्रिंसिपल काम करने वाले संदीप घोष के करीबी ने कैमरे पर जो संगीन आरोप लगाए, उससे ये समझा जा सकता है कि कैसे ये अस्पताल अश्लीलता से लेकर अवैध धंधों का सागर बन चुका था। आपको जानकर हैरानी होगी, जब ऑन कैमरा उनके सहयोगी रह चुके साथी ने कहा कि जुर्म मिटाना उनके बाएं हाथ का खेल था। हाँ, वो इसको करते थे, ये इसमें उनको महारत हासिल था। मतलब इसमें आप बोल सकते हैं उनको PhD बोल सकते थे, क्योंकि ये करप्शन करना प्लस सबूत जुल्म करके सबूत मिटाना, ये सब इनके बाएं हाथ का खेल था। इनका दिमाग उसी तरफ ज़्यादा चलता था। ये स्टूडेंट लोगों को भाई, इनकी सिक्योरिटी, ये सब से इनको कोई मतलब नहीं था। उनका मतलब था अपने करप्शन से, उनका मतलब था अपने पैसों से। यही नहीं, संदीप घोष पर उन्हीं के साथ काम करने वाले साथी ने आरोप लगाया कि वो लाशों को बेचने का काम करते थे, और क्रूरता की हदें तो तब पार हो गई जब उन्होंने अपनी पत्नी के पेट पर जोरदार लात मारी, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस इंसान की मनोदशा कैसी रही होगी। पहली पत्नी का जब डिलीवरी हुआ था तो 14 दिन का बच्चा था, तो सीजर हुआ था, तो इन्होंने पहले पत्नी के पेट में लात मार दिया था, तो वो पूरा स्टिच जो है वो स्टिच ब्रेक हो गया। फिर स्थानीय लोगों ने उनको अस्पताल में ले गई, लेकिन फिर वो एक्सपायर कर गई। अच्छा नहीं था रवैया इनका, अच्छा नहीं था। संदीप घोष के बाद कैमरे पर आरोपी संजय रॉय के दोस्त ने भी एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे किए, जिससे उन्होंने बताया कि वो कैसे लड़कियों को देखते ही पागल सा हो जाता था, और इसके साथ ही उन्हें सेक्स करने के लिए उकसाना, गंदी चैट्स करना जैसी चीजें उसकी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी बुरी आदतें थी कि वो मॉलेस्टेशन और सेक्स के प्रति वो बहुत ही ईगर रहता था। एंड इवन थर्ड चीज कि वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोकल्स नहीं हैं, आउटसाइडर से वो चीट करता था। और फोर्थ चीज वो है कि यदि सामने वाला को वो जज कर लेता कि वो वीक है, तो वो किसी भी तरह से उसके ऊपर हावी होने का कोशिश करता। ट्रेनी डॉक्टर के हत्यारे के दोस्त ने ही बताया कि कैसे पुलिस के साथ उसने अपनी साठ गांठ को इतना मजबूत बना लिया था कि केस होने के बाद वो आसानी से उसे रफा दफा करवा लेता था। ये बताइए कि ये संपूर्ण इसका एड्रेस है 55/B, ठीक है, शंभुनाथ पंडित स्ट्रीट। अब ये बताइए कि ये कोलकाता आर्म पुलिस 4th Battalion में कैसे चला गया। हम और आपको ढूंढने नहीं देंगे, और वो सोचे कि वो अपना घर घोंसला सब कुछ बना लिया। एंड इवन वो आज से 7-8 महीना 9 महीना से वो रह भी रहा है, तो बिना सुपीरियर पावर के सिवा तो हम और आप तो नहीं रह सकते ना। हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल ने जब पीड़ित लेडी डॉक्टर के माता पिता से बातचीत की, तो उन्होंने
आरोपों से जुड़े कई और पन्ने खोलकर सामने रख दिए। उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी बेटी के अंतिम संस्कार करने की इतनी जल्दी आखिर क्यों थी? कोई तो है जो आरोपी को सिलसिलेवार तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर यह आरोप भी लगाया कि जब बंगाल में उनकी सरकार है तो सड़कों पर वो किसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उतरी थी। इतने दिन से बाहर नहीं आ रहा है, पकड़ नहीं गया, कोई ना कोई तो गलत साजिश है ही उसका। न्याय की आस में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग आज सड़कों पर हैं, लेकिन सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्यों बीते कई दशकों से इस अस्पताल में हो रहे गोरख धंधे पर कभी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर सरकारों की आंखें क्यों बंद रहीं? और सबसे बड़ी बात, लोगों की रक्षा करने वाली पुलिस जब इस तरह से लापरवाही रवैया अपनाती है तो आखिर एक आम जनता को न्याय कैसे मुनासिब होगा? अब देखने वाली बात यह है कि क्या जिस ट्रेनी डॉक्टर को बर्बरता पूर्वक उसके साथ दुष्कर्म कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, क्या उसे न्याय मिल पाएगा? या ये केस भी पुराने दूसरे केस की तरह ही फाइलों में लगी धूल की तरह थाने के किसी कोने में पड़ा रहेगा? आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ABP लाइव को सब्सक्राइब करें।